नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 जो था उसका 13वां प्रश्न देखते हैं। कोई बात ना करके सीधे प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या है, 2500, 2552, 3996, 7380 का मासा निकालना होता है। मासा निकालने के लिए अगर आप गुणनखंड विधि से प्रयोग करते हैं तो समय लगता है, भाग विधि से आप प्रयोग करिए। इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको उससे भाग देते हैं, उससे जो बड़ी संख्या होती है तो उससे भाग देंगे। तो ये देखिए 3052 है, ये 2052 है, ये 3996 है, तो 51 पर काटिए। जब एकम पर कटेगा तो आप इसे फिर क्या करते हैं, घटाना करते हैं। 6 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4। 9 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। यहाँ पर कितना बचेगा, 9। यहाँ पर कितना बचेगा, 1। अब जो भाग वाला था जिसे आप भाग दे रहे हैं उसको इधर लाएंगे तो 2052 फिर 1944 इकन्ना पर कटेगा। जब एकम पर काटेंगे तो 1944 फिर घटा लीजिए, 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8। यहाँ पर कितना बचेगा, 0। यहाँ पर 10 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 108। फिर आप इसको इधर ले आइए, 1944। अब आप कितने पर काटेंगे, इसे देखिए 6 पर चला जाएगा, शायद 6 पर जाएगा ये, तो 6 8 6 8 48 6 8 48 और 6 8 48 6 6 4 10 यानी 108। तो यहाँ पर 14 से 8 गए कितना बचा, 6। यहाँ पर कितना बचा, 8। यहाँ पर कितना बचा, 8। फिर यहाँ पर उतारते हैं 4, फिर यहाँ पर उतारते हैं 4। अब आप एक आठ, फिर अब आप जो है इसे 8 पर काटिए तो 8 8 64 8 8 64 8 8 64 8 1 8 8 8 8 64 और 64 8 1 8 आपका पूरा ये कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब बचता हमारा है 3000 7380। अब 108 से आप इसको काट सकते हैं, 108 से आप इसको काट सकते हैं। 6 पर काटिए, 6 8 48 6 8 48 और 6 6 6 6 8 48 6 6 6 6 तो यहाँ पर 0। 13 से 4 गए कितने बचे, 13 से 4 गए कितने बचे, 6। 13 से 4 गए कितने बचे, 6। कितना बचे, 6। और यहाँ पर कितना बचा, 60। 13 से 9 गए, 4 गए कितने बचे, 9। 0 उतारते हैं। फिर 8 से देखिए कटता है हमारा, 8 8 8 8 64 0 है तो 64। फिर 8 1 8 कितना बचा, 10 से 4 गए कितना बचा, 6। यहाँ पर 9 से 6 गए कितना बचा, 3 3 तो हमारा बचा 36। अब आया आपका 108 108। तियाँ पर देखिए कट जाएगा, 3 6 18 8 3 1 3 3 3 9 1 10 तो आपका जो एस सी एफ आया वो कितना आया, 36। आपका एस सी एफ कितना आया, 36। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 49 59 109 को भाग देने पर क्रमशः 1 5 1 3 5 शेष बचता है। बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़ी से अधिक पूछे तो क्या होता है, मासा निकालना होता है। जितना शेष बचता है उतना हम घटा देते हैं, क्रमशः है ना, तो 49 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 48। 59 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 56। 109 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 104। तो 48 56 104 का आप एच सी एफ यानी मासा निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 48 है, उससे बड़ी 56 है, तो भाग में इससे निकालेंगे तो 51 पर काटेंगे, 48 से 1 48। 16 से 8 गए कितने बचे, 8। अब 48 इधर ले आते हैं, 8 6 48 पूरा कैंसिल हो गया। आपका उत्तर यहीं पर आ जाता है, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया करके देखिए, हो सकता है आपका उत्तर बदल सकता है। अब 8 1 8
आठ एकम आठ, दो बच्चे चार उतारा, आठ तियाँ चौबीस, आठ तियाँ चौबीस, दो से दो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 48 से भाग करके हमें ऑप्शन जो शेष बचेगा वो बचेगा इसमें 135। आप चेक करके भी देख लीजिए तो ऐसे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर यानी बी बिल्कुल सही। 15 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए एक बार, बनाइए, बनाने की प्रयास करें। 5 रुपये के 4 नींबू और 4 के 5, 4 रुपये में 5 बेचता है, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। पहले लिखिए रुपये, क्या लिखना है, पहले रुपये लिखिए, फिर लिखिए वस्तु। वस्तु 5 के 4, 5 के कितने बेचा इसने, 4, 5 के 4 नींबू और फिर 4 रुपये के 5 नींबू बेचता है, 4 के 5, 5 के 4। तो इसमें देखना है आपको, तो इसका और इसका क्या करते हैं, 4 चक्कू 16 और 5 25, 4 चक्कू 16 और 5 25, 4 चक्कू 16, 5 रुपये के 4 खरीदा और 4 के 5 बेचा, तो 5 25 और 4 चक्कू 16, जिसको घटाते हैं उसी को बटे में लाते हैं। देखिए तो इसमें 25 से 16 जाएंगे कितने बचेंगे, 25 से 16 जाएंगे कितने बचेंगे, 9, काहे के माइनस के, बटे 25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 9 चौक 36, 9 चौक 36 प्रतिशत क्या हुई, हानि। आपके ऑप्शन इसमें गलत थे, आपके इसमें ऑप्शन गलत थे, तो इसमें ऑप्शन गलत थे, इसका आंसर हो जाएगा -36, माइनस में आएगा तो बचेगा, अब माइनस में आएगा तो आपका घाटा होगा, 36% आपका घाटा हुआ। नंबर 16, श्रुति, श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सूत्र हालांकि लिख लीजिए क्या होता है का, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, बटे पूर्णांक प्रतिशत अंक प्रतिशत। तो देखिए आपको यहाँ पर प्राप्तांक तो पता नहीं है, मान लेते हैं x, पूर्णांक गुणे में 100, पूर्णांक 500, पूर्णांक 500 और कितना दे रखा है 65%, कितना दे रखा है 65%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ, 65 गुणे 5, 5 25, 5 25, 5 6 30 और 2 32। तो श्रुत ने जो है, श्रुत ने अंक प्राप्त किए 325, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 4 दर्जन अंडे प्रति दर्जन के 15 रुपये प्रति दर्जन के अंडर से खरीदा, 6 अंडे खराब हो गए, यानी 6 अंडे जो हैं उसके टूट गए, शेष अंडों को उसने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 4 दर्जन जो अंडे थे उसने बेचे, खरीदे जो थे 15 रुपये के 1 दर्जन, तो यानी 60 रुपये का उसने सौदा किया, कितने का किया, 60 रुपये का। अब 12, अब देखिए 4 अंडे यानी 48 अंडे उसके पास थे, कितने अंडे थे 48, इसमें से 6 टूट गए। अब उसके पास अंडे जो बचे वो 42 अंडे बचे, 42 अंडों को वो जो है हम दर्जन बना लेते हैं 42 अंडों को, यानी तभी तो जान पाएंगे ना, 12 बटे 42 बटे 12। अब उसने 20 रुपये के 1 दर्जन बेचा, तो यानी 20 रुपये का जब 1 दर्जन बेचा तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 6 दूनी 12, 6 7 42, 2 1 2, 2 0 0, यानी 70 रुपये के वो अंडे बेचे, तो उसका जो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य कितना था उसका 60 रुपये और विक्रय मूल्य उसका हुआ 70 रुपये, तो लाभ कितना हुआ उसका 10 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, क्या सूत्र होता है, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो 10 लाभ 10 का गुणे 100 क्रय मूल्य 60 रुपये,
क्रय मूल्य कितना था 60 रुपये, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब 6 कम 6 कितना बचा है यहाँ पर 4, 40, 6 छाक 36 कितना बचा 4/6, 2 2 4, 2 3 6, 16 सही, 2/3% उसका लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक डिब्बा घनाकार है, घनाभकार, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों दी हैं तो समझ जाना घनाभकार है। लंबाई इसकी है 50 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 30 सेंटीमीटर। 20 डिब्बों का आयतन निकालना है, 20 डिब्बों का, पहले एक डिब्बे का आयतन निकाल लेते, इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न क्या होता है, LB + HB + HL + HL, यानी लंबाई 50 × 50 × 40 + 40 × 30 + 40 × 30 + 50 × 30 देखिए आपको सूत्र अगर याद होगा, सूत्र याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 5 × 20, 20 ये 2000 इसका आया, 4 3 12, 20 ये प्लस 3 5 15, 20 ये। अब इनका योग करते हैं, इनको जोड़ लीजिए, 20 से 20 यानी 20 तो बराबर आ जाएंगे, 5 2 7 और 10 ये 7, 1 और 1 और 1 और 1 2 और 2 4 यानी 47। अब इसका 4700 का 2 गुना करते हैं तो 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 7 14 2 8 2 8 और 1 9 यानी एक डिब्बे का जो आपका आया, एक डिब्बे का जो आया वो आया 194 वर्ग सेंटीमीटर, 194 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक डिब्बे का, डिब्बे आपको निकालना कितने हैं 20, 20 × 9400 बराबर। देखिए अब एक घन का कीमत दे रखी है, एक वर्ग मीटर का मूल्य दे रखा है 10 रुपये, कितना दे रखा है 10 रुपये, तो 10 से गुणा करते हैं। अब वर्ग मीटर का दे रखा है और ये एक वर्ग मीटर का दे रखा है, तो आप इसे रुपए में निकालना है तो आप 100 से इसको गुणा कर सकते, भाग कर सकते हैं, रुपए आप क्या आ जाएंगे, ये पैसे पैसे आते हैं, 10 रुपये था, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 2 × 8 और 2 × 9 = 18, 2 × 8 2 × 9 = 18, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत दिया है यहाँ पर, तो आपका 180 यानी यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर इतने रुपए, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, इसके चारों दीवारों का पर जो है सफ़ेदी करवानी है, इसका 1.50 वर्ग प्रति मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है। तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 2, लंबाई इसकी कितनी है, यहाँ पर लंबाई है 3.5 और प्लस चौड़ाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 3, तो 2 और 3, और 3 कितने होते हैं 6, यानी 6.5 × 3, अब 3 × 6 × 6.5, 6 × 5 = 30, 6×6 = 36, 3 × 39 एक स्थान पर पॉइंट, तो 39 वर्ग मीटर जो कमरे का क्षेत्रफल आया, कितना आया 39 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर के लिए 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे का व्यय होता है, तो 39 वर्ग मीटर के लिए कितना होगा, 15 × 9 = 135, 15 × 3 = 45,
पंद्रह नवा एक सौ पैंतीस, पंद्रह तिया पैंतालीस और 13 कितने होते हैं 58, कितने होते हैं 58, 10 दो स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 58 रुपये 50 पैसे आपका जो कमरे का व्यय होगा वो 58 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा बी। प्रश्न नंबर स्क्रीन पर देखिए 20 आ रहा होगा। प्रमोद ने संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को दिया, शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। यदि पत्नी का मूल्य 42,000 रुपये हो तो प्रमोद के पास कितनी संपत्ति थी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के क्या करते हैं, हम कोई संपत्ति मान लेते हैं उनके पास एक्स, देखिए इसी में से तो अपने पुत्र को दिया उसने है, कितना है पुत्र को दिया है 1/3 इस संपत्ति का, यानी एक्स 3, फिर इसी संपत्ति का उसे अपनी जो है अपनी पुत्री को दिया, कितना दिया है इसका 1/5 भाग। अब शेष जो बचा था भाग वो उसने 42,000 रुपये बचा था उसने अपने पत्नी को दे दिया, अब पूरी संपत्ति पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में सबसे कठिन हार्ड प्रश्न आते हैं, जो आपके ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देखिए। तो लगाते हैं 5x+3x/3 5 15 = 42,000 = 42,000 5 3 8x = 15x = 42,000। अब देखिए 15x इधर गुणा करते हैं भिन्न बन जाएगी ना, 8x / 15 = 42,000। अब 15 से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 7x, तो 42,000 गुणे ये 15 उधर गुणा कर देगा, तो 7 × 42 15 × 90 और 3 0 3 0, तो उसकी जो संपत्ति आई दोस्तों कितनी आई 90,000 रुपये, यानी उसकी संपत्ति आई 90,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। दोस्तों अगर नए हो व्यूअर हैं या पुराने भी हैं तो शेयर एक बार जरूर करिए, क्योंकि हम मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। फिर आपकी बाकी इच्छा अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। जय हिंद दोस्तों।